तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को ना डेरिवेटिव पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को समझाया था कि आखिर डेरिवेटिव क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अब आज के क्लास में हम लोग कल की क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ इस टॉपिक के ऊपर बेस कुछ छोटे मोटे सवाल करेंगे सीखने के लिए। और आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैं अभी आपको कुछ सवाल दूंगा करने के लिए और फिर आप मुझे बताना कि आपके सवालों के क्या जवाब आ रहे। उसके बाद धीरे धीरे हम इस टॉपिक को फिर फिजिक्स के अंदर लेके आएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि मैथ को फिजिक्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है और कैसे ये मैथ हमारी फिजिक्स को समझने में हमारी मदद करेगी। लेकिन आप लोगों को उससे पहले याद दिला दूं, कल की क्लास में हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे थे, वो फॉर्मूले आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे और इसके नोट्स में मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, मतलब आज रात तक दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि वो पूरी कंप्लीट क्लास कल की और आज की मिला करके होगी डेरिवेटिव की। अब सुनिए, तो हमने पिछले क्लास में जो जो चीजें, कुछ प्रॉब्लम है भाई, अपना अपना माइक बंद रखिए जरा, सुनिए ध्यान से। हमने लास्ट क्लास में ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर वन, और वो ये था कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू द पावर n इज n x रेस टू द पावर n माइनस वन, ये पहला फॉर्मूला था। इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर टू हमने एक पढ़ा था, दैट इज dx अपॉन dx, यानी कि x का डेरिवेटिव वन होता है। उसके बाद हमने बात की थी नंबर थ्री की, तीसरे में हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x, वो हमने कैलकुलेट किया था और ये था वन बाय टू रूट ऑफ x, ये था तीसरा। उसके बाद चौथा जो था हमारे पास वो क्या था, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और फिर हमने एक पांचवा पढ़ा था और वो ये था कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो। फिर हमने छठा पढ़ा था कि अगर आप कभी भी डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी ऐसी चीज का जो वेरिएबल है और उसके साथ में क्या है, एक कॉन्स्टेंट, तो आप कांस्टेंट को बाहर ले आइए और डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे, वेरिएबल का। तो मैं यहां से कांस्टेंट बाहर ले आता हूं और डेरिवेटिव हो जाएगा वेरिएबल का, दैट इज du अपॉन dx। उसके बाद हमने सातवां एक और पढ़ा था, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस v, मतलब आपके पास दो वेरिएबल्स है प्लस में और माइनस में या माइनस में, तो आप लोगों को इनका डेरिवेटिव करना है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं, इसको मैंने लिखा u प्लस माइनस वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वी बीच, सॉरी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। हमने ये सारी बातें लास्ट क्लास तक डिस्कस कर ली थी। अब हमें इसके आगे की बात करनी, और वो आगे की चीजें कौन सी है बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा दो चीजें प्लस या माइनस में हो। भाई अगर प्लस और माइनस में हो सकती है तो ये भी तो पॉसिबल है कि वही दो चीजें मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो। तो अब मल्टीप्लिकेशन में अगर दो चीजें हैं या दो वेरिएबल्स हैं और आप उनका डेरिवेटिव करना चाहते तो आप कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ये रहे दो वेरिएबल, एक यू और एक वी, और ये दोनों को दोनों वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए, और आपसे कहा जाए कि आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो आपको अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप इसके साथ लिखेंगे d by dx, इसका मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। और अगर मुझे इस चीज का डेरिवेटिव करना है तो एक सिंपल सा तरीका है, क्या है, बिल्कुल गौर से और ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूले पर नहीं मेरे शब्दों पर ध्यान देना, फॉर्मूले से ज्यादा मैं जो बोलूंगा वो आपको फॉर्मूला याद करा देगा। क्या, सुनो, इसके अंदर फर्स्ट, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को लिख लीजिए, यू को एज इट इज लिखा और ये सेकंड है, और डेरिवेटिव किसका कर लीजिए, सेकंड का, फिर बीच में डाल दीजिए प्लस, उसके बाद लिखिए किसको, सेकंड को, तो सेकंड मैंने लिख दिया एज इट इज, फिर डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का, तो ये रहा फर्स्ट डी यू अपॉन डी एक्स। तो बस ये रहा हमारे पास एक फॉर्मूला जिसकी मदद से हम लोग उन चीजों का डेरिवेटिव करेंगे जो किसमें दे रखे होंगे, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। और ये रूल हम लोग कहां अप्लाई कर रहे हैं, तब जब दो चीजें मल्टीप्लाई में है, दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसा रूल है जो तब लगता है जब दो चीजें प्रोडक्ट में दे रखी हैं, इसी वजह से इस रूल का नाम ही क्या रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। तो हम इस रूल को किस नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, हम इसे बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल। अब सुनिए प्रोडक्ट रूल क्या है, सिंपल सी बात, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं और आपको उसका डेरिवेटिव करना है
तो आप फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डेरिवेटिव कीजिए, बीच में डालिए प्लस, फिर लिखिए सेकंड को और डेरिवेटिव कर दीजिए फर्स्ट का। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये रहा एक सिंपल सा एग्जांपल हम जो यहां पर डिस्कस करने वाले। देखिए जरा क्या है ये एग्जांपल। लेट मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू क्या गिवन है, x प्लस वन, और इसके साथ ब्रैकेट में लिख दिया गया x स्क्वायर माइनस टू, और हमसे ये बोल दिया गया फाइंड dy by dx। इसका मतलब आपका ये सवाल है कि y आपको दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इसका डेरिवेटिव करो, यानी कि dy by dx को फाइंड आउट करो। तो अब आप कैसे करेंगे इसे फाइंड आउट, सुनेगा ध्यान। सबसे पहली चीज तो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये रहा d by dx, और y की जगह पर y की वैल्यू रख दी, और y मेरे पास क्या है x प्लस वन, ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस टू, और ये ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब मैंने यहां देखा सबसे पहले कि यार दो चीजें मल्टीप्लाई में है। जी हाँ है मल्टीप्लाई में, ये पहली टर्म और ये रही दूसरी टर्म, दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो इसके लिए आपको एक रूल यूज करना पड़ेगा जिसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के चक्कर में मत पड़ो, मेरी बात याद रखो, फर्स्ट को लिखो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को लिखो और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज लिखा, फर्स्ट मेरे पास क्या है एक्स प्लस वन, और फिर मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा सेकंड का, और सेकंड मेरे पास क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू, फर्स्ट को लिखा सेकंड का डेरिवेटिव, बीच में डालिए प्लस, फिर आप लिखेंगे सेकंड को, सेकंड क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू, और फिर आप डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का, और फर्स्ट आपके पास क्या लिखा है एक्स प्लस वन। तो फर्स्ट को लिखा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, फिर सेकंड टर्म को लिखा और फिर डेरिवेटिव किसका फर्स्ट का। बस यही आपका प्रोडक्ट रूल था, इसे सॉल्व करो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चलो एक बारी करके देखते हैं इसको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ये तो x प्लस वन है, इसको एज इट इज रहने दो। अच्छा दो चीजें माइनस में है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा, तो आप एक काम कीजिए पहले का डेरिवेटिव अलग कीजिए, d by dx of x square bracket माइनस में d by dx of 2, यानी कि अब यहाँ पर 2 का डेरिवेटिव, दो चीजें माइनस या प्लस में हो तो सबका डेरिवेटिव अलग अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, बीच में डाल दिया प्लस, यहाँ पर मैंने लिख दिया x square माइनस 2, फिर दो चीजें प्लस में तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे, x का डेरिवेटिव अलग करेंगे और 1 का डेरिवेटिव भी अलग करेंगे। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अगले स्टेप में इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस 1 की जगह x प्लस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, याद होगा कल की क्लास में बताया था x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बीच में डाल दीजिए प्लस, यहां पर रहेगा x स्क्वायर माइनस 2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0। अब हम इसे अगर लिखें तो 2x में से 0 गया तो बचा 2x, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रहेगा x स्क्वायर माइनस 2। अब 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस में यहां पर आपके पास आ जाएगा 2x, और ये रहा माइनस 2 तो यहां पर लिख दिया माइनस 2। तो ये अब आप बोल सकते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट आ गया कि dy by dx हमसे कहा गया था निकालिए और हमने इसे फाइंड आउट कर दिया। ये बात सबके लिए क्लियर हुई होगी। आपने यहाँ फॉर्मूला नंबर 7 तक जिस पेज पे नोट किया था उसी पेज पर फॉर्मूला नंबर 8 डाल करके इसे लिख लीजिए और साइड में लिख लीजिएगा प्रोडक्ट रूल, और आगे के पेज पर इस सवाल को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी ये कर लिया होगा सभी ने। अब आप लोगों को ना मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, अभी आप लोग सब जने करेंगे और करके मुझे उसका रिजल्ट बताएंगे। मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं सिंपल सा, इसे मैं रफ कर, और सभी लोगों को करना है भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है, करके मुझे बताइएगा। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x, और आपसे कहा गया है फाइंड, सॉरी हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड dy अपॉन dx। चलिए करिए जरा और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई कीजिए, कोई बैठेगा नहीं भाई। यह 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, शुभम ने लिखा सर आंसर आ रहा है 2x। आप सभी लोग अभी कर रहे हैं ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसे करवा दूँ, आप एक बार अपना आंसर मुझसे मैच कीजिएगा जिनका हो गया, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा एक्स्ट्रा, आज ग्रुप में डाल दूंगा वो क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ठीक है। सुनो, वैसे तो प्रैक्टिस हम करेंगे अभी, जब हम फिजिक्स के सवालों में इसे यूज करेंगे तब अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे। सुनिए, अब मैं एक बार इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये भले ही देखने में आपको थोड़ा सा लगे। सर 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 2, ऐसी फॉर्म में एक बार देखो सर, या कहीं ब्रैकेट वगैरह में लगा मैं? नहीं सर, ऐसी फॉर्म में सर। तो मतलब आप कह रहे 2x से 2x ऐड कर देंगे तो सर ये हो गया 4x और ये बच गया माइनस 1 बाय x और ये आ गया आपके पास प्लस 2, मतलब आपका आंसर ये आ गया ठीक है ना? हाँ जी सर। ठीक, मैं इसे रख कर रहा हूँ, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, एक बार इसे सॉल्व करते और देखते हैं आता है कि नहीं आता। मैं इस आंसर को इस जगह पर लिख देता हूँ, दैट इज 4x माइनस 1 बाय x प्लस 2। सुनिए ध्यान से, सिंपल वे में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट है। अब मैंने दोनों साइड पर डेरिवेटिव किया, यहाँ लिखा d by dx और इस जगह पर मेरे पास लिखा हुआ है x plus 1 upon x और ब्रैकेट में लिखा है x minus 1 upon x। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई में है और जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो हम जो रूल लगाते हैं वही क्या है, प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। अब कैसे लगेगा, फर्स्ट को लिखेंगे एज इट इज और डेरिवेटिव करेंगे सेकंड, तो ये आपके पास आगे सेकंड दैट इज x माइनस 1 अपॉन x, फर्स्ट को लिखा सेकंड का डेरिवेटिव बीच में डाल दिया प्लस, इस रूल की बात कर रहा हूं। अब आप सेकंड को लिखेंगे तो सेकंड आपके पास है x माइनस 1 अपॉन x और आपको डेरिवेटिव करना होगा फर्स्ट का और फर्स्ट आपके पास क्या लिखा है x plus 1 upon x, तो दिस इज x plus 1 upon x। माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक ओपन है, यहाँ के बाद से आप इसे लिखेंगे x plus 1 by x as it is रहने दीजिए,
अब देखो इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करना। अब देखो यार ऐसा है, हम कई सवाल कर चुके हैं तो मैं अब आपको इनका डेरिवेटिव अलग अलग करके नहीं दिखा रहा। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको कल ही बताया था कि एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो मैं सीधा इसका डेरिवेटिव दे दूंगा। बीच में माइनस है, ये लो जी माइनस है। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव वो हमने देख लिया, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बीच में डाल दीजिए प्लस एक्स प्लस। फिर अगली टर्म की बात करें तो उसे भी मैंने लिख दिया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, रैंक दीजिए दो चीजें प्लस में, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बीच में डालेंगे प्लस, और सेकेंड क्या है 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव फिर से क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव मैंने कर दिया, वो क्या डेरिवेटिव, यही आंसर है, लेकिन बस मुझे अपने आंसर को सॉल्व करके थोड़ा आसान फॉर्म में लिखना। अब क्या करूं, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, x प्लस 1 बाय x को ऐसे ही रहने दिया, ब्रैकेट में 1 की जगह 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 1 अपॉन x का स्क्वायर एज इट इज, बीच में डाल दिया प्लस, यहां पर आ गया x माइनस 1 अपॉन x एज इट इज, और ये 1 की जगह 1 प्लस और माइनस हो गया माइनस, और ये रहा 1 माइनस x का स्क्वायर। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है और देखना है क्या रिजल्ट आता है। चलो करना शुरू करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए, हम इसके लिए सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, या तो सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, वैसे कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा x, थोड़ा ध्यान से देखना, x को 1 बाय x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x से 1x कटेगा और यहां बचेगा 1 बाय x, सबको समझ में आ गया। फिर 1 बाय x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 1 बाय x, फिर 1 बाय x को 1 बाय x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 अपॉन x का क्यूब, क्योंकि यहां स्क्वायर है और यहां पावर 1 है। अब इसकी बारी आती है इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x को 1 से मल्टीप्लाई किया ये रहा x, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1x से 1x कटेगा और यहां माइनस भी है तो माइनस का 1 अपॉन x, फिर माइनस 1 बाय x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा माइनस 1 बाय x, फिर माइनस 1 बाय x को माइनस 1 बाय x स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 1 अपॉन x का क्यूब। तो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं जरा क्या होता है, 1 बाय x, 1 बाय x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये भी प्लस का और ये भी माइनस का कैंसिल। अब मेरे पास बचा क्या x, और ये क्या बचा x, तो जी x plus x कितना हो गया 2x, फिर ये क्या बचा 1 by x cube, ये भी क्या है 1 by x cube, एक 1 by x cube और फिर दूसरा 1 by x cube, दो दो 1 by x cube जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 by x cube। तो अब आप बोल सकते सर ये आंसर आएगा, भाई आपका ये आंसर गलत है, ये नहीं आ रहा ये आंसर, ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे के बाद इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके पीछे की वजह है कहीं कहीं पर ना अच्छे खासे फॉर्मूले बन जाते हैं बड़े सिंपल से और आसान से, जिससे आसान हो जाता है सवाल, और कहीं कहीं पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। कोई नहीं, सुनो ध्यान से, देखिए आगे मैंने यह सोचा इसका डेरिवेटिव करना चाहिए। आप एक बात सुनो, आपके लिए ये जो सवाल गिवन है इसमें ये y की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी और टफ होगी सवाल उतना ही ज्यादा बड़ा और उतना ही ज्यादा क्या होगा लेंथी। लेकिन अगर ये y आसान होता तो बड़े आराम से डेरिवेटिव कर देते। तो मैंने ये सोचा क्या कुछ हो सकता है इसको आसान बनाने के लिए। जी हाँ, मैंने देखा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला होता है किसका जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो चलिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने देखा कि यार यहाँ पर तो दो चीजें माइनस में और यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई होती, तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, मगर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं।
क्योंकि आप मल्टीप्लाई में है कुछ भी, तो अब आप कोई जरूरत नहीं प्रोडक्ट में की, तो आप सीधा डेरिवेटिव कर दीजिए जैसे आप करते थे, dy by dx, that is dy dx, and this is x square minus 1 upon x का square. आप जानते हैं दो चीजें अलग अलग है, दोनों माइनस में, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे. आप सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे किस चीज का, x के स्क्वायर का, फिर माइनस में आप डेरिवेटिव करेंगे किस चीज का, 1 upon x square का, इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो एक पल के लिए हम रुकते हैं जरा सा, e by dx, x square को मैं x square ही रहने देता हूं, minus d upon dx, ये जो 1 upon x square है, इसमें x की square को ऊपर ले जाएंगे, तो आपको पता है कि ऊपर जाने पर पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. अब आप देखिए जरा इसका डेरिवेटिव कीजिए, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. क्या होता है ये फॉर्मूला, पावर को मल्टीप्लाई करो और एक पावर उसमें से कम करो. सेम यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, पावर को मल्टीप्लाई करो, याद रखना इस बार पावर 2 नहीं है, माइनस 2 है, और इसमें से एक पावर माइनस करनी पड़ेगी, ये जो माइनस कर. अब मैंने इसको लिखा तो ये आ गया मेरे पास 2x, क्योंकि 2 में से बन गया तो 1 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, फिर 2 की जगह 2 और यहाँ x की जगह x रहने दीजिए, माइनस 2 और माइनस 1 ये क्या हो जाएगा माइनस 2, और अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2 की जगह पर 2, और आपको पता है जिसकी भी पावर माइनस में होती है वो नीचे आके प्लस की हो जाती है, ये हो जाएगा 2 अपॉन x क्यूब. तो ये देखो जो रिजल्ट पहले आया था वही अभी भी आया, लेकिन पिछली बार सवाल करने का तरीका थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था, इस बार उतना बड़ा नहीं था, सिंपल था, आसान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. अरे बड़ी प्लीज फिर से रिपीट कर दोगे? ठीक है मैं कर रहा हूं, सुनिए भाई, मैंने इसको क्या मान लिया a और प्लस में b, ये रहा a माइनस, तो मैंने देखा है यहां तो फार्मूला दे रखा है a प्लस b a माइनस b का, ये क्या फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैंने अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहां पर. अब मुझे डेरिवेटिव करना था, मैंने दोनों साइड पर डेरिवेटिव कर दिया, मैंने देखा दो चीजें माइनस में, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग है, पहले के लिए अलग करेंगे डेरिवेटिव और दूसरे के लिए अलग करेंगे इसका डेरिवेटिव. तो जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करना था तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया, दूसरे वाली टर्म में d by dx as it is, 1 upon x square का, इसमें x के स्क्वायर को ऊपर ले गए, तो ये क्या हो गया x की पावर माइनस 2. अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैंने ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को मल्टीप्लाई करो और एक कम कर दो, तो मैंने वही किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और इसकी पावर 2 माइनस 1, फिर इसकी पावर कितनी है माइनस 2, बीच में जो माइनस था वो ये रहा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर को मल्टीप्लाई किया और उसमें से एक काम कर दिया, इनके एक माइनस कर दिया, जैसे यहाँ किया वैसा यहाँ पे किया, तो ये बन गया 2 into x, क्योंकि 2 में से बन जाएगा तो बचेगा बात, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की जगह पर 2 as it is, और x की पावर माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3, फिर 2x को 2x रहने दिया, 2 की जगह 2 रहने दिया, जिसकी पावर माइनस 3 थी वो अपॉन में आ गया और इसे लिख दिया 2 अपॉन x क्यूब. जो रिजल्ट ये आ रहा है सेम वही रिजल्ट हम पहले निकाल चुके हैं, इसका मतलब ये तरीका भी बिल्कुल सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आ गया सर कमेंट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सवाल में ऐसा कोई फॉर्मूला लगा दोगे या मल्टीप्लाई कर लोगे, जहां हो पाएगा वहां कर लेंगे, जहां नहीं हो पाएगा वहां नहीं कर, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इसे लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप अगले रूल की तरफ चलें. तो फिर जरूरी नहीं है कोई भी फॉर्मूला लग सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला भी लग सकता है अगर उधर कंडीशन हुई. हाँ कुछ नहीं, आप इसे नोट करो, मैं आपको दिखाता हूँ एक सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अच्छा देखो, जैसे भाई अभी पूछ रहे सवाल की सर इसका मतलब कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल ठीक है, वो डिपेंड करता है कि भाई सवाल में क्या दे रखा है, कौन सा सवाल हमें गिवन है करने के. मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा एक बार, और ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अच्छा अब सुनो एक और, मान लो मैं आप लोगों से ये कहता कि चलो एक काम करो, डेरिवेटिव करो y is equal to x plus 1 upon x के होल स्क्वायर. अब आप बोलते सर इसका डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला होगा इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पर आ जाएगा b, ये हो गया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x x क्या होगा कैंसिल, तो अब आप देखेंगे y is equal to x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 upon x स्क्वायर और ये आपके पास क्या बचेगा, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे dy by dx, तो अब आप बोलेंगे सर सबका डेरिवेटिव अलग अलग होगा, this is d by dx,
और यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एस एस। अब तीन चीजें प्लस में, तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग है। d by dx of x square plus d by dx of 1 by x square और उसके बाद plus d by dx derivative of 2, तो 2 का derivative क्या हो जाएगा 0 और इसी का derivative अभी अभी हमने last सवाल में किया था x square minus 1 by x square था यहाँ पे plus, तो चलिए कर लेते इसको फटाफट solve। तो x square का derivative कितना निकाला था 2x और इसका derivative अभी पिछले वाले सवाल में निकाला मैं directly लिख देता हूँ वो आया minus 2 upon x का cube और 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, मैंने 0 को हटा दिया और मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया इसके डेरिवेटिव का। सोचो यहां क्यूब होता तो आप बोलते सर फिर क्यूब खुल जाता, अगर इस पे 4 5 6 10 100 जितनी मर्जी पावर आप उतना फार्मूला तो नहीं खोल सकते, फिर उनके लिए अलग रूल होता है जिसे बोलते हैं चेन रूल, जो आप तब पढ़ोगे जब आप मैथ पढ़ोगे, अभी फिजिक्स में आपको उसकी जरूरत नहीं, फिलहाल आप इसे लिख लो फिर अगले वीडियो में। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला रूल दैट इज 9। मैं इसे अंदर अब इस अगले रूल को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? किसी बच्चे का माइक ओपन हो गया है, थोड़ा ध्यान रखकर कीजिए माइक ओपन हो रहा है बंद हो रहा है, ठीक है? सुनिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये सब तो हम कर ही चुके थे। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसा नहीं हो सकता कि दो चीजें मल्टीप्लाई में ना होने की बजाय डिवाइड में हो। तो मान लीजिए u एक वेरिएबल है, v भी एक वेरिएबल है और ये दोनों के दोनों डिवाइड में, और आपसे कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो मान लीजिए ये रहा u अपॉन v और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये आपके पास आ गया d by dx, इसका मतलब है मैं u upon v का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। अब ये u upon v का डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा, इसका एक सीधा फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिखा हूं। देखिए सर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u upon v। इसका रूल क्या कहता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप सबसे पहले एक लाइन डालें और जो लाइन जो बोल रहा हूं उस पर लिखा दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, यानी कि नीचे का स्क्वायर, फिर आप क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, सबसे पहले नीचे वाली टर्म को लिखेंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाली टर्म का इसका, फिर बीच में डालेंगे माइनस, अब लिखेंगे आप ऊपर वाली टर्म को और फिर डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाली टर्म का। बस यही फॉर्मूला होता है इस सवाल के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने का, आप इस तरीके से आराम से कैलकुलेट कर सकते। सुनो, लेकिन इन सब चीजों में एक बात का खास ख्याल आपको रखना होगा कि नीचे वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, और ये बात आप सभी लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ ली होगी कि अगर किसी भी टर्म के नीचे जीरो आ गया तो वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाती है, इसलिए आप ये तब इस्तेमाल करेंगे जब नीचे जीरो ना हो। इसलिए मैंने दिया v कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमारा रूल है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर, अगर दो चीजें डिवाइड में हैं और आपको उनका डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, फिर आप नीचे वाले को लिखेंगे और ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, फिर आप ऊपर वाले को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे नीचे का डेरिवेटिव। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप लोगों से ये कहा गया लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और हमसे बोल दिया गया कि फाइंड dy by dx। चलिए बताइए dy by dx की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा सवाल है, हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जरा कैसे फाइंड करें। सबसे पहली चीज वो मैंने क्या किया, मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने यहाँ लिखा dy by dx और इस तरफ भी मैंने लिख दिया dy by dx as it is और y की जगह y की वैल्यू रख दी x plus 1 upon x plus 2 as it is। अब जब मैंने इस सवाल को डेरिवेटिव करने के लिए सोचा तो मुझे दिखा यार यहाँ तो दो चीजें डिवाइड में है, तो कौन सा वाला रूल लगेगा, ये वाला। इस रूल को बोलते हैं बेटा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन का मतलब होता है दो चीजें डिवाइड में, पिछले वाले में मल्टीप्लाई था इसलिए उसे बोला था प्रोडक्ट रूल। तो अब इस रूल को अप्लाई करना शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो नीचे वाली टर्म है x + 2 इसका स्क्वायर लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
उसके बाद आप नीचे वाली टर्म को लिखेंगे, नीचे वाली टर्म के आपके पास x प्लस टू, और फिर आप डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाली टर्म का, और ऊपर वाली टर्म आपके पास क्या है x प्लस वन, फिर बीच में डालेंगे माइनस, देख सकते हैं आपकी बार क्या करेंगे ऊपर वाली टर्म को लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म क्या है x प्लस वन, और फिर डेरिवेटिव करेंगे नीचे वाली टर्म का, तो नीचे वाली टर्म आपके पास क्या लिखेंगे दैट इज x प्लस टू। मैंने कुछ भी अनोखा या अलग नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग चला, नीचे वाले का स्क्वायर लिखा, सबसे पहले नीचे वाली टर्म लिखी, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म को लिखा और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। बस अब इसे सॉल्व कीजिए और रिजल्ट आपके सामने आ जाए। देखिए जरा कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा एक्स प्लस टू, ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए, दो चीजें प्लस में है और दोनों का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आप जानते हैं जब दो चीजें प्लस में होते हैं तो दोनों का डेरिवेटिव अलग है। सबसे पहले x का डायरेक्टिव डायरेक्टली लिख दिया 1, और 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डायरेक्टिव 0, तो इसलिए हां जी बोलिए सर एक बार उसके ठीक ऊपर वाला स्टेप दोबारा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है। ओके ओके कोई नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए एक बार फिर से। मैंने क्या कहा, ये ऊपर वाली टर्म है और ये नीचे वाली टर्म, ये दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी। अब मैंने क्या देखा कि यार मुझे इसका डेरिवेटिव करना और दो चीजों का डेरिवेटिव करना है और ये दोनों चीजें डिवीजन में है, तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इस रूल के अकॉर्डिंग करना क्या होगा, सबसे पहले आप नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये नीचे क्या है x प्लस टू, मैंने एक लाइन डाली और सबसे पहले लिखा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाली टर्म को लिखा और फिर डेरिवेटिव कर लिया ऊपर। हां जी सर, क्वेश्चन रूल बोलो सर, क्वेश्चन रूल क्या होता है? हां हां ये इसी रूल को बोलते हैं भाई, क्वेश्चन रूल सर, ये जो रूल लिखा सर नेटवर्क नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, ठीक है ओके कोई नहीं, आप देख लो, मैं ये क्लास आपको दे दूंगा, फिर से देख लेना। तो आप मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या रूल कहता है, सबसे पहले नीचे वाली टर्म को लिखो फिर ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, फिर आप ऊपर वाली टर्म को लिखो और फिर नीचे का डेरिवेटिव। तो मैंने भी क्या किया, पहले नीचे का स्क्वायर लिखा, सबसे पहले नीचे वाली टर्म लिखी एक्स प्लस टू यहाँ से नीचे वाली, फिर ऊपर वाली टर्म का क्या कर दिया डेरिवेटिव, फिर बीच में डाला माइनस, अब लिखेंगे आप ऊपर वाली टर्म को और फिर करेंगे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। सब कुछ जैसा था वैसा लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस रूल, एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू रखा, अब देखा दो चीजें प्लस में है और दोनों का डेरिवेटिव कर रहा है, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग, एक्स का डेरिवेटिव वन ये रहा। अब मैं बार बार आपको यहां से दिखाऊंगा नहीं कि वो है, अब आपको याद भी हो गया होगा कि एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन और वन कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया जीरो, बीच में डाल दीजिए माइनस, ये है x प्लस वन, फिर उसके बाद दोनों का डेरिवेटिव अलग है। आप बोलेंगे सर x का डेरिवेटिव वन और टू जो है वो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, और जो नीचे बची टर्म उसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ, x प्लस टू इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ के बाद से आप देखेंगे तो x प्लस टू और ये वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वापस क्या बना रहेगा x प्लस टू ही रहेगा, बीच में डाल दीजिए माइनस, फिर ये x प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या बना रहेगा x प्लस वन ही बना रहेगा, और इसके नीचे देखेंगे तो ये रहा x प्लस टू, तो मैं इस चीज को x प्लस टू होल स्क्वायर को ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूं। अगले स्टेप में x प्लस टू को आप रहने दीजिए x प्लस टू माइनस, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया माइनस x, और ये माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस वन, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स। अब आप बोलेंगे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, टू में से वन माइनस करेंगे तो और अपॉन में आपके पास क्या बचेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो अब आप बोल सकेंगे कि ये हमारे पास क्या है इसका क्वेश्चन, ठीक है आप इसे लिख लीजिए। फिर अगला सवाल, चलो ठीक है सर, ये जो 1 बाय x प्लस में 2 का होल स्क्वायर है सर, इसको ओपन भी करना होता है क्या? नहीं, देखो भाई ऐसा होता है, हम किसी चीज को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर आप इसे ओपन कर दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, हमें चीजों को छोटा बना के सर वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो ना यहाँ से एकदम क्लियर है, यहाँ से जो था वो देखिए सबकी हो रही है पॉज। यस सर, यस सर, अच्छा तो
एक मिनट रुकिए, आप तब तक इसे देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ वहां पे प्रॉब्लम हो चुका है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ और मैं तब तक एक चेक भी कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। ये तो लिखिए आपके सभी ने, यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, उसे कीजिए, उसका आंसर बताइए। मैं तब तक अपनी प्रॉब्लम को देख लेता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर करता है। y is equal to x minus 1 upon x, और आपको इस बार फाइंड करना है कि dy by dx की वैल्यू क्या है। चलिए कीजिए इसको ट्राई। जीरो है। जीरो कैसे आ सकता है भाई, मैं गलती कर रहा हूं। जीरो डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए भाई इसका। सर 1/x2। ये बात बिल्कुल सही है। सर सेम मेरा भी यही आ रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट ये आ रहा है। ठीक, जिनका जीरो आया है चेक करो तो गलती करिए क्या चल रहा है। एकदम ठीक है। और आपने जो फॉर्मूला लिखा था उनमें फॉर्मूला नंबर 9 में इसे नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा। हाँ बिल्कुल सही, ओके ठीक है, मैसेज भी आ गया मेरे पास। ठीक है 1/x2 बिल्कुल एक्सेक्ट। अच्छा आप मुझे ना एक बात आपको बतानी, बिल्कुल ध्यान से सुन। आप लोगों ने देखा कि सर इसमें दो चीजें डिवाइड हैं, हम एक क्वेश्चन को अप्लाई कर देते हैं, आगे आंसर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप कुछ और सोच सकते हैं इसके बारे में? जी क्या सोच सकते हैं, ये जो एक्स है वो एक्स आप इसके नीचे अलग लिख लीजिए और इसके नीचे अलग लिख लीजिए, इस एक्स से ये वाला एक्स क्या हो जाएगा एक्स। तो अब आप इसे लिख पाएंगे y is equal to 1 - 1/x। अब देखो क्या अब लगता है कि तुम्हें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं सर। अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर दो चीजें माइनस में तो दोनों का डेरिवेटिव अलग है, तो ये रहा dy by dx और यहाँ पर भी लिख दिया dy dx and this is 1 - 1/x। अब दोनों का डेरिवेटिव अलग है, फर्स्ट का डेरिवेटिव अलग करेंगे dy dx 1 का डेरिवेटिव, माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव अलग करेंगे 1/x का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, माइनस की जगह माइनस, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x2 हमने कल ही पढ़ लिया था, तो ये रहा -1/x2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपका आंसर हो जाएगा +1/x2। एकदम एग्जैक्ट आंसर है। ये जो मैंने किया इसमें मैंने क्वेश्चन रूल को इस्तेमाल नहीं किया, तो आप लोगों को घबराना नहीं कि सर ये कैसे सोचते हैं, इसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि मैं आप लोगों को मैथ नहीं पढ़ा रहा भाई, मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना, तो ये बस हमारे काम की चीज थी तो मैंने बता दिया। बाकी जब फिजिक्स में हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इनको और अच्छे से कैसे यूज करें। आप इसे लिखिए फिर आगे की बात करें। ठीक है जी, ओके। अब मैं सब कुछ सब चीज, तो भाई अब आप लोगों का डेरिवेटिव जो है वो पूरा फिनिश। वैसे अगर देखा जाए तो भाई डेरिवेटिव में अभी और भी बहुत कुछ है जो बाकी है, लेकिन यह वो सब चीजें ना पढ़ाने का अभी कोई मतलब ही नहीं बनता।
मैंने आप लोगों को उतना ही पढ़ाया जितना अभी आपके फिजिक्स में काम आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फालतू में चीजों को उठाओ, उन्हें पढ़ लो, उनका कोई मतलब ही ना, उनका कोई मीनिंग ना हो, उनका कोई यूज ना हो। तो जहां पर भी डेरिवेटिव का फिर यूज आएगा और आगे का, तो मैं आपको वहां पे फिर बताऊंगा कि क्या है, क्यों है और कैसे। तो कई लोग आपको बोलेंगे अरे तुमने बहुत थोड़ा पढ़ा दिया है, हमारे सर बहुत सारा पढ़ा रखा है। तो भाई उतना सारा उतना थोड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारा तो आप पढ़ोगे जब आप मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 13 पढ़ोगे, लेकिन यहाँ जितना भी पढ़ा है तुम्हें जितने सवाल करूंगा ना एक भी सवाल छूटेगा नहीं कि हाँ सर इस डेरिवेटिव से हमारा वो सवाल छूट गया, नहीं। आप सुनो ध्यान से, अब ना हम वापस आते हैं फिजिक्स के ऊपर, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब मैं थोड़ा सा ना इस डेरिवेटिव के मीनिंग को प्रैक्टिकली और क्लियर कर रहा हूं, जो बात अब बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिए। अब हम जरा लॉजिक की बात करने वाले हैं, आखिर ये डेरिवेटिव कैसे चेंज निकाल के देता है। देखो मैंने आप लोगों को क्या किया, मैंने आप लोगों को सीधा फॉर्मूला बताया, देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है और ऐसे आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको प्रैक्टिकल जगह पर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि क्या सच में ये वो काम करता है जो ये कह रहा है। मैंने क्या कहा, व्हाट इज डेरिवेटिव, तो आप बोलते हैं चेंज इन वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल में किसी दूसरे की वजह से चेंज आता है और उस चेंज को निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसा चेंज ले रहा हूं ताकि आपको बात समझा सकूं और यहां से जो बात आप जानेंगे समझेंगे फिर उसी की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। सुनना ध्यान से, अब तक जो पढ़ाया वो प्योर मैथमेटिक्स था, उसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं था, अब आएगी फिजिक्स जो आपको लॉजिकल वे में बातों को समझाना शुरू करेगा। सुन, तो एक काम करते हैं, आपने कहा सर कि डेरिवेटिव हमें चेंज बता दे, अच्छा एक मिनट आप वेट कीजिएगा, बस जस्ट अ मिनट मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। अब एक बार देखिए जरा आप ठीक है या अभी टक रही है। जी सर अब तो आवाज ठीक है। ओके 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 चलिए ठीक है भाई, मैं अब करता हूँ, मैं अगली क्लास तक इस चीज को चेक करा लेता हूँ, आप बाकी आज तो देख लो कैसे भी, ठीक है। ओके चलो सुनो, बस थोड़ी सी चीज और है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैं एक काम करता हूँ, सबसे आसान सी कोई चीज देता हूँ जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ताकि आप बात समझ पाओ कि आखिर ये कहानी है क्या, डेरिवेटिव रिजल्ट कैसे निकाल के दे रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, मैं एक काम करता हूं उस सर्कल का एरिया निकालता हूं और उस सर्कल के रेडियस को जरा सा बदलता हूं और जरा सा रेडियस बदलने पर एरिया में कितना चेंज आता है उसे कैलकुलेट करता हूं और देखते हैं उससे हमें क्या बात पता चलती है। तो देखिए मान लीजिए ये रहा आपके पास आपका एक सर्कल और ये है सर्कल का रेडियस, मैं एक इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह। सपोज कर लीजिए ये रहा आपका सर्कल और ये इसका सेंटर है और मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज आर। अगर कोई मुझसे पूछे कि जी इसका एरिया कितना है, तो मैं बोलूंगा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और मैंने इस एरिया को लिख दिया ए वन। ए वन का मतलब है अभी का जो एरिया है वो कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं साफ साफ, This area A1 is equal to that is pi r square। अब मैंने क्या किया, अपने सर्कल को सर्कल का जो रेडियस है उसको जरा सा बढ़ा दिया, बहुत थोड़ा सा। अब आप पूछोगे सर थोड़ा सा मतलब कितना थोड़ा, तो मैंने ये बता दिया, मान लीजिए इतना रेडियस मैंने बढ़ा दिया
और जितना मैंने बढ़ाया उसको मैंने किसके रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा आर से। वो डेल्टा आर यहाँ नहीं नजर आ रहा, मैं इस तरफ दिखा देता हूँ आप लोगों को ये चीज। यहाँ पर मैंने रेडियस को हल्का सा बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया ये मान लीजिए डेल्टा आर रेडियस मैंने बढ़ा दिया, इतना रेडियस बढ़ गया। तो पहले इसका एरिया कम था, अब एरिया इसका ज्यादा हो गया। तो पहले वाला एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, उस एरिया का नाम क्या दिया मैंने, ए वन। बाद में नया वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे सर नए वाले एरिया को ए टू मान लेते हैं, नया एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। नया एरिया चाहिए तो नया वाला रेडियस भी रखो, पहले रेडियस आर था अब इतना और बड़ा हो गया तो नया वाला जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा आर, और इसके ऊपर क्या डाल दिया, होल स्क्वायर। तो पुराना एरिया पता है, नया एरिया पता कर लिए। अब जरा पता करते हैं कि कितना एरिया में चेंज आया। तो सुनिए जरा ध्यान से, मैं यहां पर लिख देता हूं चेंज इन एरिया, कि आखिर एरिया में कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना एरिया में चेंज आया, कितना बदलाव आया। फाइनल एरिया बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते, तो ए टू में से ए वन को माइनस किया, ए टू आपके पास क्या लिखा है पाई, ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, फिर पुराना वाला एरिया जो है वो कितना, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे तो पाई पूरे में से क्या ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट यहां लिखेंगे आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, और माइनस में यहां पर लिख दीजिए आर का स्क्वायर, और ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अच्छा आप लोगों को याद होगा, फिजिक्स आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने कहा था जब भी दो चीजों में चेंज निकालना या चेंज दिखाना हो तो हम उस चेंज को किससे दिखाते हैं, डेल्टा। और ए किस में चेंज है, ये एरिया में, तो डेल्टा के साथ क्या लगा दिया, ए, डेल्टा मतलब हो गया चेंज और ए का मतलब एरिया, इसका मतलब ये हो गया चेंज इन एरिया, इसको किससे दिखा दिया मैंने, डेल्टा ए से। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यार ए टू में से ए वन माइनस करेंगे तो कुछ तो बचेगा, जो बचेगा मैंने उसको मान लिया डेल्टा ए। वैसे अगर मैं आप लोगों के सामने यहां लिख दूं ना वाई टू माइनस वाई वन तो हम उसको क्या दिखा सकते हैं, डेल्टा वाई से। अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन तो हम उसको किससे दिखाएंगे, डेल्टा एक्स से। बिल्कुल सही, तो डेल्टा ना चेंज बताएगा, डिफरेंस बता देगा, तो मैंने इसको डेल्टा ए लिखा। अब मैंने, हाँ जी बोलो सर, ऐसे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में भी यही लिखते होंगे डेल्टा एक्स बाय टी, क्योंकि वो भी तो चेंज ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ चेंज तो हर जगह सेम ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे ही करेंगे फिर। हाँ बिल्कुल, उनमें मैंने लिखवाया उसको, उसको मैंने वहां पे लिखवाया, अब इसमें इसको यूज करूंगा फिर से स्पीड और टाइम में, तब वहां पर समझेंगे। तो इससे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन्हीं से ना चेक कर पाओगे कि हाँ जैसे एरिया को लिखा वैसे वहां डिस्प्लेसमेंट को लिख पाएंगे। अब यहाँ पर पाई की जगह रहने दीजिए पाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए ए स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और फिर प्लस में आ जाएगा टू ए बी। ध्यान से देख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये है माइनस आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे दिख रहे दो, आर स्क्वायर प्लस का और आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा डेल्टा ए इज इक्वल टू में बच गया पाई, ब्रैकेट में यहां पर बचेगा डेल्टा आर का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा टू आर इंटू डेल्टा आर। अब भाई इसके आगे जो करूंगा वो आप लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल गौर से सुनना तसल्ली से जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन है या कोई भी एक ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या, इसका मतलब y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, देखो 1 का स्क्वायर 1, आप जैसे x की वैल्यू बदल के 2 कर दोगे तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। देखो आपने x को बदला, साथ के साथ क्या बदल गया, y बदल गया। तो आप बोलोगे हाँ सर x को जैसे जैसे बदलोगे y वैसे वैसे बदलता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ना हम x को बोलेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो 1 2 3 4 5 6, लेकिन y की वैल्यू x के हिसाब से निकल के आएगी, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। अब मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिखा x और यहां पर लिख दिया y, बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से समझिएगा। सपोज कर लीजिए पहले x की वैल्यू क्या थी, x1 थी, और उस वक्त y की वैल्यू कितनी थी, y1। बाद में x की वैल्यू मैंने बदल दी और अब कितनी कर दी, x2, और फिर बाद में y की वैल्यू बदल करके कितनी हो गई, y2। भाई x को बदल दोगे तो y भी बदल जाएगा,
तो हमने यहाँ पर देखा x की वैल्यू पहले x1 थी, फिर तब y की वैल्यू y1 थी, बाद में मैंने x की वैल्यू x2 कर दी तो y की वैल्यू भी y2 हो गई। तो मुझसे कोई पूछे कि जी कितनी बदल गई इसकी वैल्यू x1 से x2, तो आप बोलेंगे जी चेंज निकालना है कितनी बदल गई, तो x2 माइनस x1 इतनी बदल गई x की वैल्यू। और मैं बोलूं उसके हिसाब से y में कितना चेंज आया, तो आप बोलेंगे y के अंदर कितना चेंज आया वो निकालना है, तो ये हो गया y2 माइनस में y1। यही तो चेंज आएगा, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा इसी को मैंने बोला यार x2 माइनस x1 को ही क्या लिखते हैं, डेल्टा x, और y2 माइनस y1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा y। तो इस डेल्टा x और डेल्टा y का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप x को डेल्टा x चेंज करते हो, अगर आप x में डेल्टा x चेंज लाते हो, तो उसके हिसाब से y में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा y चेंज आ रहा है। और अगर मैं इसी चीज को यहां पर लिखूं, तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो आप इसे देख के बोलोगे सर ये हो गया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ y में जितना चेंज आया उसकी बात कर रहे हैं। अब बात आ गई यहां तक की कि आपने कहा कि इसे बोलते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और जो कल आप हमें पढ़ा रहे थे dy by dx, आप उसे भी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x को बदलने पर y में कितना चेंज होता है। तो ये कल और आज में इतना फर्क क्यों आ रहा है, कल आप यहाँ d लिख रहे थे, आज आप यहाँ डेल्टा लिख रहे हो, इसे भी आप चेंज बोल रहे थे, इसे भी आप चेंज बोल रहे थे, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं ये सेम नहीं है। ठीक है सेम नहीं है, तो फिर अलग क्या है इनके अंदर, क्योंकि आप तो दोनों को चेंज कर रहे हो। मैं बताता हूं अलग इसके अंदर क्या है, मैं इस चीज को रख कर रहा हूं, ये चीजें आपको सिर्फ समझने के लिए बतानी थी मुझे। तो मैंने यहां पर आपको जो चीज बताई उसके हिसाब से आपने देखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये भी है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स ये भी है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते, आप बोल रहे हो dy भी चेंज को दिखाता है, dx भी चेंज को दिखाता है, और डेल्टा y और डेल्टा x भी चेंज को दिखाता है, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है। भाई डेल्टा जहां पर भी नजर आ जाए इसका मतलब वो एक बड़े चेंज को दिखाएगा, और d जहां पर भी नजर आ जाए इसका मतलब वो एक छोटे चेंज को दिखाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो मान लीजिए समझने के लिए कि कोई वैल्यू थी सपोज कर लीजिए 8, और वो वैल्यू 8 से बढ़कर के कहां तक पहुंच गई, 10 तक। अब मैंने बोला कितना चेंज आया x में, तो आप बोलोगे सर जी डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 2, चेक कर लो 10 में से 8 गए तो 2, इतना चेंज आया इसमें। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर था उसकी वैल्यू 2 थी और बाद में वो नंबर हो गया 2.000001, अब मैं बोलूं कितना चेंज आया इनमें, तो आप बोलोगे इसमें जो चेंज आया वो आ गया 0.0001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, और ये रहा 6 और ये रहा 1। तो इस तरीके से अब इस वाले चेंज को आप डेल्टा एक्स नहीं दिखाओगे, इस वाले चेंज को आप किससे दिखाओगे, dx से। तो dx दिखाता है बहुत स्मॉल चेंज और डेल्टा एक्स दिखाता है बड़े चेंज को, तो इसलिए ये बड़े चेंज को दिखा रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये बहुत स्मॉल चेंज को दिखा रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। लेकिन एक कंडीशन है जब ये इक्वल हो सकते हैं, कब हो सकते हैं इक्वल, वो तब हो सकते हैं जब मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को बहुत छोटा लेके चलूं, जब मैं इनके चेंज को बहुत छोटा कर दूंगा, तो ये तो ऑलरेडी छोटे चेंज को दिखाई रहे, और ये बहुत छोटा चेंज कर दूं तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अब बात आती है सर छोटा मतलब कितना छोटा, तो जी इतना छोटा। अब सुनते जाइएगा जरा ध्यान से कि इतने छोटे का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखते रहना, कोई डाउट होगा तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर इसका मतलब है कि अगर ये चेंज बहुत छोटा चेंज हो तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। कितना छोटा, कि मान लीजिए मैंने आपसे अभी अभी क्या कहा, डेल्टा आर मान लीजिए मैंने रेडियस में चेंज किया, कितना चेंज किया डेल्टा आर। अब अगर मैं इस डेल्टा आर की जगह पे 10 लिख दूं तो आप बोलोगे सर 10 तो एक बड़ा चेंज हो गया। वैसे चेंज भी कंपैरिजन में देखे जाते हैं, कंपैरिजन का मतलब क्या बोल सकते हो 10 एक बड़ा नंबर है, नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हो 10 एक छोटा नंबर है, नहीं बोल सकते। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास या मेरी जेब में 80 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, अब बताओ 10 बड़ा है छोटा, तो तुम बोलोगे सर 80 करोड़ के सामने 10 की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो बहुत छोटा नंबर है। और कोई भिखारी आके बोले भाई मेरे पास सिर्फ 1 रुपया पड़ा है, तो उसको बोलेंगे 10 रुपए, तो बोलेगा हाँ तेरे पास तो 10 रुपए मेरे से ज्यादा पैसे। तो इसका मतलब कोई एक नंबर अकेला बड़ा और छोटा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। तो ऐसा मत सोचना कि 10 एक बड़ा नंबर है और 0.001 एक छोटा नंबर है। मैं आपसे बोलूं 0.01 क्या ये छोटा नंबर है,
तो आप सारे लोग बोलोगे हाँ ये तो छोटा है। अब मैंने बोला 0.00000001, अब बताओ क्या ये छोटा है इसके कंपैरिजन में? आप बोलोगे नहीं सर, ये नंबर इसके कंपैरिजन में तो कई करोड़ गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो ये 0.01 है, तो आप जिसे छोटा बोल रहे हो वो किसी दूसरे नंबर से पता नहीं कितने गुना ज्यादा बड़ा है। इसलिए किसी एक नंबर को देख करके बहुत छोटा बड़ा हम नहीं बोल सकते। फिलहाल जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके अंदर 0.1, 0.01 वो छोटे ही हैं, तो हम इन्हें छोटा यहीं पर ट्रीट करके चलेंगे फिलहाल के लिए। बाकी मेरा कहना यह है कि अगर मैं डेल्टा आर को बहुत छोटा ले लूं, 0.00000000 आर ना लिखने के बजाय क्या लिख सकता हूं, डीआर लिख सकता हूं। अब मैं इसे क्या लिखूंगा, डीआर, क्यों? क्योंकि ये चेंज बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब ये बड़ा था तो डेल्टा आर रहने दो, और जब ये छोटा हुआ तो ये बहुत छोटा हो गया। हां जी कट रही है सर आवाज बार बार ही, अभी भी आवाज कट रही है, अभी भी कट गई, अभी नहीं कटी पहले, अभी कट रही थी सर इससे 2 सेकंड पहले, वीडियो भी पॉज हो गई थी जी सर। ओके ओके ओके, तो भाई ऐसा करते हैं, सुनिए कोई बात नहीं, ऐसा है भाई, अगर आवाज की प्रॉब्लम हो रही है मैं आज इस चीज को ना चेक करा लेता हूँ, और ना हम इसके बारे में ना नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं रहने।